Hello, student. My name is Shweta Tripathi, and I, I, I am here to teach you science. See, this is your science book. The name of the book is Exact Science for Class 1. Now, लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट वन दट इज़ लिविंग एन नॉन लिविंग थिंग द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ लिविंग एन नॉन लिविंग थिंग्स हमारे चैप्टर का नाम क्या है आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लिविंग एन नॉन लिविंग थिंग इट मीन्स लिविंग मीन्स सजीव और नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव मतलब सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में हम पढ़ेंगे ओके चलन लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड अराउंड अर्स इज़ फुल ऑफ थिंग्स बिग एंड स्मॉल हमारी हमारी जो आसपास की जो दुनिया है वो कैसी है कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं थिंग्स दैट एग्जिट फ्रीली इन नेचर आर कॉल नेचुरल थिंग्स ऐसी चीज़ें जो हमारी नेचर में आसानी से फ्रीली रहती हैं बिना किसी रोक टोक के रहती हैं उनको हम क्या कह सकते हैं नेचुरल थिंग कह सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल थिंग की हम डेफिनेशन बोल सकते हैं दैट थिंग्स दैट आर मेड बाई नेचर जो नेचर्स के द्वारा बने गए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेन रिवर प्लांट्स एनिमल्स एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया हमारा माउंटेन हो गया रिवर हो गया प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए ये हमारे क्या होते हैं नेचुरल थिंग्स होते हैं ये नेचर के द्वारा बने होते हैं थिंग्स दैट आर मेड बाई मैन और हिज ओन यूज़ आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स ऐसी चीज़ें जो मनुष्यों के द्वारा बनी हो किस लिए बनी हो उनके खुद के काम के लिए जो मनुष्य के द्वारा बनी है जिसको मनुष्य ने बनाया अपने काम के लिए बनाया है वो क्या कहलाते हैं मैन मेड थिंग्स कहलाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलफ़ोन कार कंप्यूटर एक्सेप्ट एक्ज़ाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं सेलफोन ले लिया कार ले लिया कंप्यूटर ये सारे क्या है मैन मेड है मतलब इनको इन, इन इन सब चीज़ों को किन किसने बनाया है हम हम लोगों ने मिलकर बनाया है मतलब इंसान ने बनाया है तो ये क्या कहलाते हैं मैन मेड थिंग्स कहलाते हैं जैसे हमारी ये पेन है ठीक है तो ये भी क्या है हमारी मैन मेड थिंग है इसको भी किसने बनाया है मैन ने बनाया है तो ये क्या कहलाएगी मैन मेड थिंग कहलाएगी बुक है हमारी ये हमारी जो बुक है वो भी क्या कहलाती है हमारी मैनमेंट थिंग है इसको भी किसने बनाया है मैन ने बनाया है मतलब इंसान ने बनाया मैन ने बनाया तो ये क्या कहलाएंगी मैन मेड थिंग्स कहलाएंगी ऑल नेचुरल थिंग्स आर आई दर लिविंग और नॉन लिविंग जितनी भी नेचुरल थिंग्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं लिविंग और नॉन लिविंग होती है. मतलब वो लिविंग भी हो सकती हैं नॉन मतलब नॉन लिविंग भी हो सकती हैं दोनों में से मतलब वो लिविंग भी होंगी या तो या तो नॉन लिविंग होंगी प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींगस आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स प्लांट्स हो गए पेड़ पौधे जितने भी होते हैं एनिमल्स हो गए ह्यूमन बींग्स हो गए हम और आप जो हैं वो क्या हैं नेचुरल थिंग्स के मतलब नेचुरल लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं माउंटेन्स एंड रिवर्स आर नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स माउंटेन और जो रिवर है ये सब नेचुरल है नेचर के द्वारा बनी गई हैं लेकिन ये किस में आते हैं नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स में आते हैं ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर दी गई है मतलब मैन बेबी एंड मदर ये सब क्या है लिविंग थिंग्स है एलिफेंट भी लिविंग थिंग्स है यहाँ पे जो प्लांट बने हैं वो भी लिविंग थिंग्स है लेकिन ये जो कार है फ़ोन है कंप्यूटर ये हमारे क्या है नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं लिविंग थिंग्स आर अलाइव जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होते हैं जीवित रहते हैं जिन उनके अंदर जान होती है नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अलाइव उनके अंदर कोई भी जान नहीं होती वो जिन वो जीवित नहीं होते हैं Things are some, uh, there are some features फीचर्स uh, that separate living things from non-living things. यहाँ पर आपको कुछ features दिए गए हैं दोनों में मतलब living things थिंग्स और non-living थिंग्स में क्या अंतर है, दोनों में क्या difference है कुछ उसके features दिए गए हैं आपको यहाँ पर उसको पढ़िए पहला features आपको दिया गया है लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर फॉर टू स्टे अ लाइफ मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाना हवा पानी की ज़रूरत होती है इसलिए जीवित रहने के लिए ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू live. सभी लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए तो ज़रूरत होगी ही ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर टू live. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू live. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स टू नॉट नीड एयर वाटर एंड फूड जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको वाटर या खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है दूसरा फीचर आपको दिया गया है लिविंग थिंग्स ग्रो लिविंग थिंग्स चेंज ओवर टाइम इन साइज एंड अपीयरेंस जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं उनके साइज़ में उनके बॉडी शेप में सब में बदलाव होता है वो ग्रो करते हैं बढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए ये छोटा बेबी है ठीक है ना उसके बाद वो बड़ा हो के ऐसे उनका साइज चेंज हुआ ऐसे बड़े बेबी में हुआ फिर वो एक बॉय में चेंज हुआ फिर बाद में वो किस में चेंज होता है मैन में चेंज होता है तो बेबी से लेके मैन तक में उसकी बॉडी में हर शेप में साइज़ में सब में चेंजेस हुआ तो लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होती है वो बढ़ते हैं पहले छोटे थे फिर बड़े हुए फिर उससे बड़े हुए वो क्या करते हैं फिर बड़े हो जाते हैं तो वो लिविंग थिंग जो होते हैं उनमें ग्रोथ होती है उनमें बढ़ने वाला क्रम चलता है फॉर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया जैसे पपी है वो थोड़ा और बड़ा हुआ फिर बड़ा होकर के क्या डॉग बन जाता है न्यू न्यूबॉर्न पपी ग्रोज इन अ डॉग जो छोटा पपी होता है जो जो पैदा हुआ पपी होता है वो बड़ा होकर के क्या बन जाता है डॉग बन जाता है फिर आपको यहाँ पे सीड दिया गया अ सीड ग्रोज इन टू एन एडल प्लांट पहले क्या था एक सिर्फ सीड था फिर थोड़ा सा वो क्या हुआ उसमें थोड़ी सी पत्तियाँ थोड़ी सी जड़ें उसकी निकली फिर थोड़ा सा वो क्या हुआ थोड़ा सा एक प्लांट थोड़ी सी और ऊपर में थोड़ा और उसके साइज़ में चेंज हुआ थोड़ा बड़ा हुआ फिर जा करके वो एक प्लांट में चेंज हो जाता है प्लांट में बड़ा हो जाता है नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती जैसे ये बुक हो गई आपकी तो ये बुक अगर आप मार्केट से लाए हो तो क्या ये बड़ी हो जाएगी कुछ दिन में नहीं ना ये तो ऐसी कि वैसी रहेगी आपकी और आपका जो जैसे आपका जो चेयर है टेबल है तो उसमें भी क्या वो बड़ा हो जाता है नहीं ना वैसे ही रहता है उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं होती उसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं होती तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती लिविंग थिंग्स मूव बाई दमसेल्फ थर्ड आपका पॉइंट है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो आप खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ह्यूमन एंड एनिमल्स मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम हम हैं आप हैं हम कहीं भी अपने मतलब अपनी खुद से कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी आ जा सकते हैं एनिमल्स होते हैं वो भी कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं नहीं ना वो तो मूव नहीं कर पाते हैं। प्लांट मूव इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम एनिमल्स ओनली सम ऑफ समय पार्ट्स मूव जो प्लांट्स होती हैं उनमें भी मूवमेंट होता है लेकिन एनिमल से थोड़ा अलग वे में होता अलग तरीके से होता है प्लांट्स के कुछ ही पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं जैसे सनफ्लावर है हमारा सनफ्लावर मूव्स टुवर्ड्स सनलाइट तो सनफ्लावर किधर मूव करता है जिधर सूर्य होगा उसकी साइड उसका फेस उसका उधर ही होता है फ्लावर्स और सम प्लांट्स ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग जैसे फ्लावर को देखिए कुछ प्लाट्स के जो फ्लावर्स होते हैं क्या करते हैं जो उनकी कलियाँ होती हैं जो पेटल्स होते हैं वो मॉर्निंग में खिले होते हैं लेकिन शाम को क्या हो जाते हैं वो वो पेटल्स क्लोज़ हो जाते हैं बंद हो जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाई themselves. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कहीं भी अपने से आ जा नहीं सकते जैसे हमारी जब भी हमने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया तो बुक तो कहीं भी आ जा सकती नहीं है उसके तो पैर हैं नहीं कि वो कहीं भी चली जाएगी उसको हम क्या कर सकते हैं हम उसको उठा के इधर उधर रखें रखेंगे ना तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो अपने से खुद से मूवमेंट नहीं करते खुद से कहीं भी आ जा नहीं सकते फोर्थ पॉइंट इज़ लिविंग थिंग्स रियाक्ट टू चेंज अराउंड दम चौथे पॉइंट में आपको दिया गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके आसपास उनके आ, उनके इन्वायरमेंट में उनके टेम्परेचर में जो भी चेंजेस होंगी वो उनको फील होता है उसकी उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करते हैं जैसे आपको आपको कभी दर्द हुआ तो आप रिएक्ट करते हो कि हाँ बताते हो कि हाँ मुझे पेन हो रहा है गर्मी लग रही तो आप बताते हो कि हाँ गर्मी लग रहा है मतलब रिएक्ट करते हो कि हाँ गर्मी लग रही है फॉर एग्ज़ाम्पल वी फील हॉट इन समर वी स्वेटर लॉट जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जैसे जब बहुत गर्मी होती है तो गर्मी में आपको क्या करता है गर्म गर्म महसूस होता है फील गर्म फील करते हो और आपको बहुत ज़्यादा पसीने होते हैं ठीक है उसी तरह के अट रंस क्विकली वन फ्राइटन बाई सडन नॉइस और जो का जो कैट होती है जब किसी अचानक से किसी आ, किसी अचानक से आवाज़ से जब डर जाती है तो वो जल्दी वो जल, जल्दी भागना शुरू कर देती है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू चेंज जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी ऐसे चेंजेस में कोई बदलाव में रिएक्ट नहीं करते हैं फर्थ पॉइंट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है उनके यंग वंस होते हैं उनके बेबीज़ होते हैं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बेबीज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मदर विथ अ बेबी ये मद, मदर अपनी बेबी के साथ है अ डॉग विथ अ पापी जो डॉग है अपने पापी के साथ है अ प्लान एंड इट्स सीड्स प्लांट्स और उसके सीड्स नॉन लिविंग थिंग डो नॉट रिप्रोड्यूस जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं उनके अंदर कोई भी रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन का कोई प्रोसेस नहीं होता उनके यंग वंस नहीं होते हैं है ना जैसे मदर है मदर का क्या हुआ मदर के बेबी है डॉग के क्या होते हैं पपी होते है। हैं हैन का क्या होता है एग होता है तो इसी तरह के लिविंग थिंग्स में क्या होते हैं रिप्रोड्यू रिप्रोडक्शन होता है वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ये सारे कोई भी प्रोसेस नहीं होते सिक्स नंबर में देखिए लिविंग थिंग्स डाई जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी एक लाइफ टाइम मतलब एक उनका टाइम पीरियड होता है कि वो मतलब उनके जब उनको सब उस वो चीज़ें प्रोवाइड रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती हैं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं या उनका उनकी जब उनका जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है वो मर जाते हैं लिविंग थिंग बिकम ओल्ड लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ओल्ड मतलब क्या होता है बूढ़े बूढ़ा होना तो जो लिविंग थिंग होते हैं वो क्या होते हैं बूढ़े हो जाते हैं कमज़ोर हो जाते हैं ग्रेजुअली दियर बॉडी पार्ट स्टॉप वर्किंग एंड दे डाई तो धीरे धीरे जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनकी क्या होती हैं बॉडी पार्ट जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और वो मर जाते हैं लिविंग थिंग ऑल्सो डाई वेन दे डू नॉट गेट एयर वाटर और फूड लिविंग थिंग्स जो होते हैं सजीव जो वस्तु सजीव वस्तुएँ जो होती हैं वो तब भी मरती हैं जब तब भी मर सकती हैं जब उनको खाना पानी हवा नहीं मिलता जब खाना नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा हवा नहीं मिलेगा तो वो कैसे जीवित रह सकते तब भी वो मर जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई जितने भी लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी नहीं मरते नाउ हैज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे आपको टेबल दी गई है और उसमें कुछ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आपको डिफरेंस बताया गया है फर्स्ट इज़ लिविंग थिंग नीड एयर टू लाइव पहला है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हवा की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू लाइव जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हवा की ज़रूरत नहीं होती है लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड फूड टू लाइव जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको पानी खाने की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड वाटर एंड फूड टू लाइव लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको खाने पानी की ज़रूरत नहीं होती है लिविंग थिंग्स ग्रो लिविंग थिंग जो होते हैं वो बढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कोई बढ़ने का कोई प्रोसेस नहीं होता वो कभी नहीं बढ़ते लिविंग थिंग्स मूव ऑन दियर ओन जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं खुद से खुद से मूव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन दियर ओन लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी मूव नहीं करते वो अपने खुद से मूवमेंट नहीं करते है ना लिविंग थिंग फील नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट फील जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं फ़ील होते हैं उनको उनको पेन फील होता है कोल्ड फील होता है समर फील होता है लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको कुछ भी फील नहीं होता लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नॉन लिविंग थिंग्स डो नॉट रिपोर्ड्यूस जितने भी अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने बताया कि मदर का बेबी है और डॉग का पपी है तो इन सब के क्या होते हैं इन सब के यंग वंस होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कोई भी ये प्रोसेस नहीं होता लिविंग थिंग्स डाई जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो मर जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स टू नॉट डाई तो जितने भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो डाई नहीं करते एंड द लास्ट मैं आपको एक बार फिर से इस चैप्टर में बता देती हूँ समरी के तौर पे, कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं लिविंग थिंग्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है जिनको खाना पानी हवा की ज़रूरत होती है तो ये सा वो हमारे किस में आएंगे लिविंग थिंग्स में आएंगे जैसे आपके पेड़ पौधे हम मतलब ह्यूमन बींग्स ये सारे हम लोगों को खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है हवा की ज़रूरत पड़ती है तो हवा खाने और खाना पानी से ही हम जीवित रहते तो हम किस में आते हैं लिविंग थिंग्स में आते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाना पानी हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके अंदर जान नहीं होती इसलिए उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं और नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं नेचुरल थिंग्स वो होते हैं जो नेचर्स के द्वारा बने होते हैं जो जिनको प्रकृति ने बनाया होता है और वो हमारे उस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के रह सकते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं नेचुरल थिंग्स बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे माउंटेन हो गए प्लांट और प्लांट्स हो गए रिवर हो गया ये सब हमारे किस में आते हैं नेचुरल थिंग्स में आते हैं और लास्ट में हमारा है मैन मेड थिंग्स ऐसे थिंग जिनको हम मनुष्य ने बनाया है अपने कामों के लिए इसको मनुष्य ने बनाया है खुद के काम के लिए इसको क्या बोलते हैं मैन मेड थिंग्स जैसे आपके बुक हो गई पेंसिल हो गया कार हो गया फ़ोन हो गया तो ये सारी हमारे किस में आती हैं मैन मेड थिंग्स में नेचुरल थिंग दो टाइप के होते हैं आपके एक होते हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल लिविंग थिंग्स में क्या आते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोग किसमें आते हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स में आते हैं क्यों क्यों आते हैं क्योंकि हमें हमें नेचर ने है हमें खाना पानी हवा की ज़रूरत पड़ती है और बट उसमें नॉन नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं नेचुरल नॉट नेचुरल लिविंग थिंग्स में कौन से आते हैं माउंटेन्स आया रिवर्स आया उनको नेचर ने तो बनाया है लेकिन उनको खाना पानी की तो ज़रूरत पड़ती नहीं इसलिए वो किस में आते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में That's all student.